बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, मैं हूं राशिद और आप देख रहे हैं मोहित नेटवर्क यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि नाइट्रो पीडीएफ रीडर कैसे इंस्टॉल किया जाता है और उससे हम उसकी मदद से हम अपनी वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट की फाइल को कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं पीडीएफ के अंदर और पीडीएफ की फाइल को कैसे हम अपने वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले जिन दोस्तों ने मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर दें और साथ के बेल आइकॉन पे क्लिक कर दें। तो चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ये देखें, ये मेरे पास नाइट्रो पीडीएफ रीडर का सेटअप फोल्डर पड़ा हुआ है। इसको मैं डबल क्लिक करके ओपन कर लेता हूँ। ओपन करने के बाद यहाँ पे देखें, ये मेरे पास 32 बिट है, ये 64 बिट सेटअप पड़ा हुआ है। आपने अपनी विंडो को देख लेना है, आपने अपने अपने लैपटॉप, अपने डेस्कटॉप सिस्टम के अंदर कौन सी इंस्टॉलेशन की हुई है। उसके बाद आपने जो भी आप, अगर आपके पास 32 बिट है, आपने 32 बिट सेटअप रन करना है और 64 बिट है तो 64 बिट करना है। तो मेरे पास 64 बिट है तो इसलिए मैं 64 बिट सेटअप को रन करता हूँ। इसको मैं डबल क्लिक करके ओपन कर लेता हूँ और ये देखिए, ये मेरे पास सेटअप है। इसको मैं डबल क्लिक करके ओपन करता हूँ। दोस्तों ये बहुत ही अच्छा सॉफ्टवेयर है, इससे आपके सब मसले हल हो जाएंगे। आप कोई भी फाइल किसी भी फॉर्मेट में कन्वर्ट कर सकते हैं। ये देखें, ये एक्सेप्ट करना है, आपने इंस्टॉल कर देना। ये इंस्टॉलेशन हमारी होना स्टार्ट हो चुकी है। ये थोड़ा सा टाइम लगेगा हमें इंस्टॉल करने में, उसके बाद मैं आपको दिखाता हूँ कि आपने इसको यूज़ कैसे करना है और इसको एक्टिवेट कैसे करना है आपने। उसके बाद आप अपनी हर फाइल को बआसानी इसको कन्वर्ट कर सकते हैं किसी भी फॉर्मेट के अंदर। तो ये हमारी इंस्टॉलेशन हो रही है। ये देखें, ये हमारी इंस्टॉलेशन कंप्लीट हो चुकी है। अब इसको मैं एक्टिवेट करके दिखाता हूँ आपको कि आपने इसको एक्टिवेट कैसे करना है। ये सेटअप मैंने टोरेंट से डाउनलोड किया और आप भी बआसानी टोरेंट से डाउनलोड कर सकते हैं और इसको यूज़ कर सकते हैं। ये देखें, ये इंस्टॉल होने के बाद ये विंडो हमारे सामने आई है। ये एक्टिवेट नाइट्रो प्रो की का आपको बटन नज़र आ रहा है, इसको आपने एक्टिवेट पे क्लिक करना है। तो यहाँ पे देखें, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, कंपनी नेम, सीरियल नंबर, यहाँ पे आप कुछ भी लिख सकते हैं। ये देखें, यहाँ पे आप कोई भी टाइप करते हैं, जो भी आपने टाइप करना है। यहाँ पे सीरियल नंबर आपने देना है, सीरियल नंबर यहाँ पे देखें, ये एक्टिवेशन में ये सीरियल नंबर दिया गया है, इसको आपने कॉपी कर लेना है। कॉपी करने के बाद इसको आपने यहाँ पे पेस्ट कर देना है। ये देखें, और ये देखें, ये सीरियल नंबर एक्सेप्टेड। ये देखें, हमारी हमने अपना सॉफ्टवेयर को एक्टिवेट कर लिया है। इसको मैं अब क्लोज कर देता हूँ। अब ये फाइल, इसको मैं पहले ओपन करता हूँ। ये देखें, इसको ओपन करने के बाद दोस्तों ये आपको नज़र आ रहा होगा, टू वर्ड, टू एक्सेल, टू इमेज, टू अदर। इसको आप किसी भी फॉर्मेट में कन्वर्ट कर सकते हैं। ये जो आपको दिए गए हैं, आप इसको यूज़ करते हुए इसको अपनी पीडीएफ की फाइल को वर्ड में कन्वर्ट कर सकते हैं, एक्सेल में कन्वर्ट कर सकते हैं और इमेजेस में कन्वर्ट कर सकते हैं। और इसको आप अदर्स में अगर जाएं तो ये ऑप्शन आ गया, मतलब आप इसको इन चीज़ों के लिए यूज़ कर सकते हैं जो आपको नज़र आ रही हैं। तो ये हमारे पास एक फ़ाइल है, इसको मैं कन्वर्ट करता हूँ। ये देखें, कन्वर्ट टू पीडीएफ, इसको मैं अगर कन्वर्ट टू पीडीएफ पे क्लिक करता हूँ, ये देखें हमारी फाइल कन्वर्ट होना स्टार्ट हो चुकी है। ये थोड़ा सा टाइम लेगी और ये हमारी फाइल को जो पीडीएफ में कन्वर्ट कर देगी। ये देखें, नीचे हमारी फाइल को पीडीएफ में कन्वर्ट कर दिया है। ये देखें, ये आपके पास फाइल आ गई है। इसको अगर आप सेव करते हैं तो
ये देखें सेव की ऑप्शन आ रही है, तो इसको मैं पीडीएफ कर देता हूँ, इसको मैं डेस्कटॉप पे सेव करता हूँ, इसको मैं क्लोज कर देता हूँ। तो ये हमारी फाइल सेव हो चुकी है, ये पीडीएफ में, पीडीएफ ये इसको हम ओपन करेंगे, डबल क्लिक करेंगे तो ये देखें ये हमारी वही फाइल है, ये एक पेज की फाइल है, ये इसको उसने पीडीएफ में कन्वर्ट कर दिया। अगर यही फाइल तो ये देखें यहाँ पे आपने अगर इसको दोबारा वर्ड में कन्वर्ट करना है तो वर्ड पे क्लिक करेंगे तो ये नीचे हमारे पास कन्वर्ट की ऑप्शन आ रही है, तो ये इसको वर्ड में कन्वर्ट कर रहा है। तो ये देखें ये हमारी फाइल दोबारा वर्ड में कन्वर्ट हो चुकी है, इसको हम सेव करेंगे, फाइल को उसमें कन्वर्ट कर सकते हैं। अगर हम इसकी बात करें एक्सेल की, अगर एक्सेल की फाइल को आप कन्वर्ट करना चाहते हैं पीडीएफ में तो ये देखें कन्वर्ट टू पीडीएफ पे क्लिक कर दें, तो ये देखें ये भी फाइल आपकी पीडीएफ में कन्वर्ट कर देगा एक्सेल की फाइल को। ये देखें ये एक्सेल की फाइल थी मेरे पास और इसको उसने पीडीएफ में कन्वर्ट कर दिया है। इसको मैं ओपन करके दिखाता हूँ एक्सेल की फाइल को, सेम वही फाइल है, ये देखें ये मेरे पास फाइल है एक्सेल की फाइल है, और अगर जो हमने कन्वर्ट की है ये देखें ये पीडीएफ में कन्वर्ट कर दी है उसने। तो इस तरह आप अपनी फाइल को आसानी से पीडीएफ में कन्वर्ट कर सकते हैं और पीडीएफ की फाइल को अपने माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो दोस्तों ये थी हमारी आज की वीडियो, एक नई वीडियो के साथ दोबारा मुलाकात होती है, तब तक के लिए इजाज़त चाहता हूँ, अल्लाह हाफिज़।